Alright guys, welcome back to another episode of Kebab Chef Restaurant Simulator. तो guys यार last episode में हम लोगों ने यहाँ पर जो है हमारे restaurant के अंदर बहुत सारे recipes unlock कर ली थी और यहाँ पे अपन बनाना सीख रहे थे सारी चीज़ें. बाकी तुम्हारे भाई ने offline ना काफ़ी सारी चीज़ें समझी और मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है भाई. लिटरली तुम लोग मुझे खुद बताना एक बार, ठीक है, कि मैं तुम लोग को अगर मान लो तुम मेरी जगह पर होते तो क्या तुम लोगों को इतनी दूर से यहाँ पर तुम्हें चिली पेपर दिख रहा है, यहाँ ब्लैक पेपर समझ में आ रहा है, लेकिन क्या तुम लोगों को यहाँ पे चिली पेपर दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना. लेकिन तुम यहाँ पास में जाओगे ना, देखो क्या लिखा है भाई. कल इसने पागल कर दिया भैंस, क्या चिली पेपर आखिर है कहाँ पे भाई? तुम्हारे भाई ने सब कुछ खरीद लिया है, ठीक है, और तुम लोग को आज दिखाता हूँ भाई. आज ना अपन सब कुछ पूरा तो ये सब कुछ सेटअप करेंगे अच्छे से, ठीक है. मेरे को नई नई चीज़ें लगानी है. थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास आ चुका है क्योंकि तुम्हारे भाई ने थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी सीखी थी और सब कुछ खिला पिला रहा था, सबको मौज काट रहे थे, एकदम मस्त पैसा छाप रहे हैं अभी. और 10 के 10 प्लेट, अबे 12 प्लेटें थी ना सर, 10 के 10 कैसे होगी. बाकी गाइस ये देखो तुम्हारे भाई ने क्या ही प्यारे से, क्या ही मतलब प्यार से तरीके से एकदम इन सारी चीज़ों को जो है ना सब्जियों को भाई संभाल के रखा है. ओए आलू ऊपर क्या कर रहा है? हाँ ये देखो सब कुछ अच्छे से जमा के रख दिया है, ठीक है. अभी मैं इन सबको भी ना थोड़ा अच्छे सेटअप करूँगा और ये वाली मैंने सेट रख दी है, डस्टबिन यहाँ पर रखा हुआ है. बाकी ना एक मिनट रुक जाओ ज़रा, मैं पहले रेसिपी सेट कर लेता हूँ, रुक जाओ. आज के दिन ना भाई अपन सारी चीज़ें बना के देंगे, ठीक है. पहले अपन सारी चीज़ें कुक करेंगे, उसके बाद में इनको आने देंगे, ठीक है, ताकि पैसा भी मिल. ये देख रहे हो भाई ग्रिल बीफ का $180 हो गया, टोमाटो सूप भाई $176 मिल रहा है भाई. मस्त पैसा छापेंगे अपन इससे भी आज. बाकी एक चीज़ मेरे को करनी थी, रुको. ये जो अंकल जी हैं, ये वाले अंकल जी बोले तो मतलब एक मिनट रुक जाओ. वेयर हाउस यानी पर्क्स होता है, स्टाफ होता है, स्टाफ. अरे गाइज यार आज ना अपन ना एक क्लीनिंग वाला मतलब जो भी है भाई, ये आज ना मेरे को एक स्टाफ हायर करना है, ठीक है. लेकिन इसके लिए ना मेरे को level 10 चाहिए होती है. मेरा level 7 हो गया है, ठीक है. तो गाइज यार आज का हमारा ये टारगेट है कि आज अपन ना एक स्टाफ को हायर कर ले, ठीक है, प्लीज़. क्योंकि भाई मैं थक चुका हूँ, या तो मैं क्लीनिंग डिशेज और अच्छा वेटर भी होता है ना ये, तो भाई अपना काम तो आसान हो जाएगा फिर तो. अबे सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा समझ के चलो. इसका आर्नोल्ड नाम है, इसको अपन हायर करेंगे. नहीं नटालिया को हायर करेंगे अपन तो यार, ठीक है. बाकी यार गाइस एक मिनट रुक जाओ ज़रा. पर्क्स तो भाई पर्क्स में तो भाई बड़ी महंगी महंगी चीज़ें हैं, तो हमारी औकात दिखा देती है. ओ एक सेकंड, क्या तीनों अबे कुछ ग्लिच चल रहा है क्या इसके अंदर? ये नो आइडिया भाई, जो भी है. बाकी मेन्यू में चलते हैं, मेन्यू में सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी अभी फिलहाल के लिए. बाकी यहाँ पे वेयर हाउस में अगर अपन जाते हैं, मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें भी लगानी है यहाँ पे. ये किस चीज़ का स्टैंड है भाई? मिनी मॉडर्न बेवरेज कैबिनेट, अच्छा इस सारी चीज़ें रखने के काम आएगा. और ये क्या है? ये है गम मशीन, गमबॉल मशीन विद विच यू कैन प्रोवाइड पैसिव इनकम टू योर बिजनेस. $2000 कौन देगा भाई तेरे को? और हाँ तुम लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था कि प्यार का ढाबा नाम रखो इसका, तो अपन इसको जो है अपन रीनेम करने वाले हैं. इसको रखेंगे अपन ढाबा, ठीक है. और ढाबे का थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देंगे भाई, इसको बनाएंगे एकदम चुम्बेश्वरी ढाबा भाई. चलो ये हो गया, इसको इसका कलर दे देते हैं एंड इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं इसको भाई. ये हो गया प्यार का ढाबा बनेगा भाई ये, ठीक है. एकदम मस्त वाला हमारा ढाबा खोलेंगे भाई, खतरनाक वाला, ठीक है. चलो इसको मैंने यहाँ पे सेल तोड़ी करना था, उसको रीनेम करना था बस. और ये जो प्यार लिखा हुआ है ना, प्यार वाले में मेरे को जो पहले तो फॉन्ट जो है डिफ़ॉल्ट वाला रखने दो. एंड इसका मेरे को सिर्फ प्यार रखना है एंड इसका रेड कलर करना है अपने को. प्यार हो गया, आई मीन प्यार का नाम रखना है. ओके तो ये हो गया. एंड एक मिनट रुक दो ज़रा, इतना आई थिंक बहुत है. और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है. चलो ऑल गुड. थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं तुम लोग को भी बताता हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड करने वाला हूँ. इसका पहले तो ये चेंज करना है मेरे को एंड इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं यहाँ पर. और आई थिंक ऑल गुड है, इसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है. साइन आइकन मेरे को यहाँ पर ऐड करना है, प्यार कबाब कबाब मतलब बोले तो यहाँ पर ऐड करना है एक, ठीक है. ऑल गुड भाई, बढ़िया लगेगा देखने में, ठीक है. हमारा एकदम चुमेश्वरी ढाबा होगा भाई ये. चलो इस वाले को मैं रखूँगा यहाँ पे. ओके जी भाई क्या ही सही लग रहा है भाई, मजाक छट के. अभी मेरे को एक और चीज़ खरीदनी है जो कि टेक्स्ट खरीदना है, तो टेक्स्ट में मेरे को का लिखना है भाई. तो का कलर अपन कर देते हैं भाई, इसको भी वाइटी कर देते हैं एंड फॉन्ट भी इसका कर देते हैं अपन थोड़ा सा उस तरह का. बाकी इसको रिसाइज कर देते हैं एक बार. ओके एंड इसको मूव करके अपन कर देंगे यहाँ पर भाई. देख लो भाई क्या ही मस्त बनेगा भाई, प्यार का ढाबा मस्त लग रहा है ना गाइस, ये बताओ अभी तुम लोग. ये देखो भाई क्या ही सही बना दिया इसको, एकदम खतरनाक भाई. चलो ये कुछ रखेगा इसमें से भी लगा दूँ क्या ये भी? बढ़िया लग रहा है भाई देखने में तो. चलो इसको ये भी लगा देते हैं. चलो गाइस ओके जी ऑल गुड. एक बार देखते हैं बाहर से हमारा रेस्टोरेंट अभी कैसा लग रहा है. ये भाई लाइन लग गई हुई है यहाँ तो. अरे मैडम जी क्या हाल है तुम्हारे? ये तो बाढ़ लग रही है कोई. ये देखो गाइस हमारा ढाबा भाई क्या ही सही लग रहा है भाई ये.
तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है अपना, ठीक है। बाकी एक मिनट जाओ, जरा यहाँ पे अपने को रेसिपीज़ बनानी है। तो सबसे पहले चिकन लेग्स बनाने हैं। तुम लोगों ने मेरे को बताया कि भाई मैंने लास्ट एपिसोड में क्या हरकतें करी थी, मैं उनको चिकन ब्रेस्ट की जगह चिकन लेग्स खिला रहा था। ओके, तो यहाँ चिकन लेग बनाना है अपने को। दो पीस ये चिकन लेग के पहले तो इनको उठाते हैं, ठीक है। एंड एक मिनट रुक जाओ, ये सब कुछ करने से पहले ना गाइस, मैं थोड़ा ना इनको थोड़ा को चेंजेस करना चाहूँगा इस जगह पे। तो ये जो है ना, इनको पहले मेरे को चेंज करना है। इसको एडिट करते हैं एंड इसको यहाँ से मसालों को उठा के इन मसालों को ना अपन यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। मसाले नाइफ एक जगह पर रखना है मेरे को। और ये जो है ना, इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं। रुक जाओ, इसको यहाँ रखते हैं कुकिंग के लिए। बाकी ये जो कुकिंग की चीज़ें हैं ना, सारी की सारी इधर आएंगी, ठीक है। इसको रख देता हूँ फिलहाल के यहाँ पे। और मेरे को ना एक और वो ख़रीदना है, रुको स्टोर में चलते हैं। हमारा जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में जाके अपने को जाना है स्टेशन में। ये रहा, एक और स्टोव लेना है मेरे को। सर यहाँ पे मैंने रख दिया है दूसरा चूल्हा। एंड एक काम करूँ क्या, मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, क्योंकि ना दिक्कत हो जाती है कभी कभार। तो इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेता हूँ मैं। इसको भी थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। चलो आई थिंक इनको यहाँ पे बढ़िया रहेगा ये। एंड क्योंकि ना क्या होता है कि कभी कभार सामान नीचे गिर जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसा रख रहा हूँ। बाकी अपने को दो चिकन लेग चाहिए, तो अभी क्या है ना, अपन इनको यहीं पे रखकर अपने को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर रखना है बस, इसको जला देंगे, ऑन कर देंगे, ये काम करने लग जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा अच्छे सामान जमा के तुम्हारे भाई ने पहली बार रख दिया है यहाँ पे। रहने देंगे अपन इस ग्रिल को यहीं पे रखे रहने देंगे, क्योंकि ग्रिल को जब भी ऑन करना रहेगा तो अपन कर लेंगे। बाकी यहाँ पे हमारा चिकन लेग जो है पकने वाले हैं, तो इनको अपन उठा के यहाँ से पहला यहाँ रख देता हूँ, इसको भी उठा लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को ना क्या करने का है, मेरे को जो है इसके ऊपर चिली पेपर डालना है और सॉल्ट डालना है। 1, 2, 3 ग्राम डाल दिया। 1, 2, 3 इसको रख दें। 1, 2, 3 आज तेरा भाई इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ बनाएगा ना बे, ये लोग भी बोले क्या ही मस्त रेस्टोरेंट है रे। अभी चिली पेपर था ना, हाँ ठीक है। अभी मेरे को ट्रांसफ़र टू प्लेट करना है इसको, रुक जाओ। ग्रिलिंग तो मैंने कर दी है, इनको अपन डालते हैं प्लेट में। चलो इनको रखते हैं यहाँ पर अभी। एंड मेरे को भी टमाटर ग्रिल करना है, तो टमाटर उठाते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर। टमाटर ग्रिल हो रहा है, एक और रख देता हूँ, क्योंकि आई थिंक एक ही बनाना फ़िलहाल तो बाद में कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो सब रख दूँगा। बाकी इसको पकने देते हैं एंड इसको स्लाइस करके इसका काम हो जाएगा, ठीक है। चिकन लेग्स बन गए। अभी मेरे को मेन्यू के रेसिपीज़ में जाना है। मेन्यू में चलकर अपन को चिकन ब्रेस्ट बनाना है। तो चिकन ब्रेस्ट बनाने के लिए अपने को चीज़ें चाहिए रहेंगी थोड़ी बहुत। इसमें से सबसे पहले चीज़ है चिकन ब्रेस्ट, इसको उठाते हैं यहाँ रख सॉरी इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ पर डालते हैं 1, 2, 3 इसके बाद रखेंगे 1, 2, 3 इसका काम हो गया। एंड इसको भी अपने को पकाना है, ठीक है। ये चलो टमाटर तो पक चुका है, अभी इसको कट करते हैं। चलो इसको काट देंगे यहाँ पर, इसको रखते हैं यहाँ पर एंड इस टमाटर को रखते हैं यहाँ पर। इसका काम हो गया है, बस इतना ही करना रहता है आई थिंक, मेरे हिसाब से तो आई होप इतना ही करना रहता होगा। चिकन लेग्स अभी ट्राई करते हैं। ओवर कुकड, अच्छा ठीक है, मतलब बाकी सब ठीक है, ओवर कुक कर दिया थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको। सर मैंने यहाँ पे मिर्ची और आलू जो है सब कुछ पका लिया है। यहाँ पर अभी अपन बनाने वाला है चिकन ब्रेस्ट। तो यहाँ पे मैं जो प्लेट निकालता हूँ एंड ये सारी चीज़ों को इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, मेरे को ना आलू को ना कट करना पड़ेगा, तो इसको लेते हैं और इसको कट कर देते हैं, ठीक है। आई होप मैंने सब कुछ डाल दिया था इसके अंदर, चिली पेपर सब कुछ डाल दिया है एंड सर्व हॉट करना है अपने को बस। चलो इसको भी अपन यहाँ रख देते हैं। ये बन गया चिकन ब्रेस्ट। एंड ये भाई देखो, थोड़ा हीट वगैरह ज़्यादा हो गया क्योंकि थोड़ी बहुत थोड़ा सीन कर दिया मैंने, बट भाई खाना वाना तुम्हारा भाई मस्त पका रहा है अभी, ठीक है। और अभी अपन ने चिकन ब्रेस्ट बना लिया है, अभी मेरे को बनाने का है टमाटो सूप। तो टमाटर का सूप तो अपन को बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो यहाँ चलते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होता फ्रिज में रखने के बाद, तो जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ से लेते हैं, थोड़ा बहुत निकाल लेता हूँ इसमें से मैं। 0.20 चाहिए रहता है सो। और सॉरी भाई, पूरा गिर गए तो भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता था मैं, ऐसा कुछ हो, बट ठीक है चलो। अरे पूरा गिर गया गलती से मेरे से। ओके, तो यहाँ पे टमाटर का सूप रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। और अभी अपन को और क्या क्या बनाना रहता है, ग्रिल्ड कर दे कुछ तो नाम था भाई, ये रहा, इसको ये भी बना लेता हूँ एक पीस। ये इसको तो अपन ने कट कर ही दिया है, ये पक जाए जल्दी से। बाकी मैं ज़रा इसमें नमक डाल देता हूँ, 1, 2, 3 एंड ये लेते हैं ब्लैक पेपर, 1, 2, 3 और इसको अपने को क्या करना, पकाना है बस, ठीक है। इसको रख देता हूँ इसके ऊपर, चालू कर देते हैं, पकता रहेगा। चलो इसको निकालते हैं एंड यहाँ पे सूप भी तैयार हो गया है, इसको रख देते हैं। टमाटर सूप भी सर्व कर देते हैं। मिसिंग इंग्रेडिएंट, अच्छा सॉरी, इसके अंदर मैं पार्सल डालना भूल गया, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट गाइस। चलो ये कुक हो जाए जल्दी से हमें, क्योंकि अभी ना रिबाई स्लाइस को जो है पकाना है अच्छे से। ये इसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया था ना, ठीक है। अभी इसके अंदर मेरे को बस दो पत्ते चाहिए रहते हैं इसके, ये निकाल लेता हूँ भाई, याद रहेगा मेरे को। और आई थिंक टमाटर भी शायद चाहिए रहता है ना इसमें, तो एक बार भाई मेरे को देखने पड़ेगी इसकी रेसिपीज़ क्या क्या है भाई, मैं भूल गया हूँ।
ओके तो इसको निकालते हैं यहाँ पर एंड लेट्स गो ओवर देयर एंड लेट मी चेक यहाँ पे जो ग्रिल बीफ था इसके लिए अपने को क्या क्या करना पड़ता है। टमाटर ग्रिल कर एक सेकेंड, हाँ तो टमाटर ग्रिल पर रखना है लेकिन अपन इसको यहाँ पर रखेंगे, ये फटाफट से पक जाए यार। और अपने को क्या करना है, टमाटर के स्लाइसेस करनी है और पार्सले के पीस चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ से प्लेट निकालते हैं, प्लेट में सारी चीज़ें डाल लेते हैं पहले तो। चलो देखो भाई तुम्हारा भाई क्या ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे अभी। ओके टमाटर पक जाए भाई जल्दी से और उसके बाद ना मैं इसको कर दूँगा चालू। एक काम करता हूँ ओपन ही कर देता हूँ अभी फिलहाल, तो कस्टमर्स भी आते रहेंगे खाते पीते रहेंगे अपने, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा नहीं तो खाना भाई। चलो ये बन गया फटाफट से, अरे कहाँ गया, चलो कुक होने वाला है। ये देखो भाई हमारा पहला कस्टमर आ चुका है, लेवल 7 है, लेवल 10 करना है आज, मुझे नहीं पता भाई स्टाफ हायर करके जाएंगे। ओ तेरी पक गया, एक मिनट रुको इसको कट करता हूँ। चलो यहाँ पर टमाटर काट दिया है, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं और इसको लेके चलते हैं यहाँ पर। चलो भाई यहाँ पर ग्रिल बीफ भी अपन ने रख दी है और ये तो 100% है, इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सीन हो गया बाकी ऑल गुड है। चलो अब इनको जो भी खाना रहेगा ना ये लोग खाते रहेंगे। देखो भाई जी बढ़िया बता रहे हैं, क्यों अंकल जी मज़ा आ रहा है खाने में, हैं टेस्टी है ना, क्या बोलते हो। अरे अंकल जी तुम तो गुस्सा होकर चले गए, अच्छा वो अच्छा खा लिया उसने खाना। चलो चलो इसको यहाँ रखते हैं। एंड गाइस यार अभी ना मेरे को थोड़ा सा ना सूप बनाना है, एक मिनट रुक जाओ सूप बनाने के लिए ना। अरे अरे भाई वहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा ना, इसमें मैं 1.20 लीटर पहले पानी भर लेता हूँ, ये याद रहेगा भाई मेरे को ना, थोड़ी बहुत चीज़ें याद हो गई अभी। आई थिंक 1.23 ठीक था। चलो एंड बाकी यहाँ से मैं जो है बटर निकाल लेता हूँ, बटर डालते हैं इसमें। इसके बाद अपने को दूध निकालना है, दूध अरे अरे दूध डाल दिया ठीक है। अभी अभी यार हाँ एक सेकेंड और क्या करते थे, एक मिनट रुक जाओ लेट मी चेक गाइस। तो मेरे को अभी टोमेटो सूप बनाना है, टमाटर के स्लाइस डालने हैं 8 ठीक है। तो 8 टमाटर तो है नहीं यार मेरे पास, लेकिन मेरे को टमाटर लेकर आने पड़ेंगे, रुक जाओ गाइस जरा मैं टमाटर लेकर आता हूँ अभी जाकर। हो गया तुम्हारा काम, चलो थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पर, थैंक यू सो मच दीदी जी। अरे दीदी जी तुम तो बड़े प्यारे हो तो, लेकिन भाई बच्चे से भाई कार्टून से एकदम। चलो इसको रखते हैं यहाँ पर, इनकी प्लेटें भी साफ़ करनी पड़ेंगी अपने को भी। कुछ ख़त्म हो गया क्या वहाँ पे, अरे यार टमाटर का सूप तो ख़त्म हो गया, इतना बढ़िया बनाता है टमाटर का सूप भाई साहब, मेरे को टमाटर का सूप बनाना पड़ेगा गाइस, टमाटर लेकर आने पड़ेंगे। रुक जाओ एक मिनट जरा, ये प्लेटें वलेटें साफ़ होती रहेंगी, कितनी बची, 3 प्लेट बची है वैसे तो। रुक जाओ ग्रोसरी स्टोर सामने ही है भाई, लेकर आते हैं अभी, लेवल 8 होने वाला है भाई। चल 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 टमाटर चाहिए मेरे को, टमाटर रुक जाओ थोड़ा ज़्यादा खरीद लेता हूँ, एंड धनिया भी थोड़ा बहुत खरीद लेता हूँ मैं, मिर्ची भी खरीद लेता हूँ थोड़ी, 10 खरीद लेता हूँ, 10 बहुत हैं। और क्या चाहिए अपने को, आलू भी थोड़ा बहुत खरीद लेता हूँ मैं, और एक बार में 5 ही खरीद लेता हूँ ठीक है। चलो काम हो गया अपना, $135 भाई सारा सामान लेके जा रहा हूँ एक बार में मैं। अरे टमाटर सूप मांग रही है तो, रुक जाओ भाई बना रहा हूँ टमाटर सूप, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करिए ज़रा, बैठ जाइए थोड़ा सा आराम करो। टमाटर चाहिए भाई, अरे निकालना यार इसको क्या कर रहे हैं ये पागल सा, एक टमाटर निकालने का है और इसको भी ग्रिल करना है ना लेकिन। अबे यार वही मैंने उस टमाटर को ग्रिल किया था, आई एम नॉट श्योर गाइज मैंने उस टमाटर को ग्रिल किया था कि नहीं। ओ भाई अरे ये गुस्सा हो रही है यार, गुस्सा हो रही है वो, क्या करूँ, अरे गुस्सा होके जा रही है, जान दूँ क्या इसको गुस्सा होके, टाइम लगेगा भाई बनाने में, तो नाराज़ हो रही है, मैं क्या करूँ फिर उसके लिए भाई। चलो वहाँ से पैसा निकालो भाई, ये बढ़िया है भाई, पूरा पैसा देके जा रहे हैं लोग। चलो क्लीनिंग भी करते हैं भाई यहाँ पे प्लेटों की, रुक जाओ पग गया, एक मिनट रुक जाओ, इसको कट करते हैं पटाख से। रुक जाओ गाइस अभी बनाते हैं टमाटर का सूप, नहीं तो साले तो भाई ऐसे पेल देंगे भैंस के मेरे को ना, साले टमाटर का सूप नहीं पिलाएगा तो मैं। रुक जाओ भाई बना रहा हूँ, जल्दबाजी हो रही है थोड़ी सी, बट क्या करेगा इस अपन, अभी 0.10 हो गया, 0.20 ठीक है, रखो इसको रख फटाफट से, धनिया का वो निकालो जरा, लेवल 8 हो चुका है गाइस अपना भाई, मस्त काम चल रहा है एकदम, सब कुछ रखा हुआ है, बस साला सूप पी के जा रहे हैं भाई जल्दी से, एकदम खतरनाक पी जाते हैं साला, पता नहीं क्या नल्ला गिरी है भाई, खा ले जल्दी खा ले भाई। रुक जाओ गाइस सूप बन गया कि नहीं बना, अबे पका क्यों नहीं, इसके ऊपर रख देता हूँ पकता रहेगा यार, ये तो सारे गुस्सा होकर चले जाएंगे ऐसे तो। इसको रख देता हूँ अंदर रख देता हूँ, एंड यहाँ पे सामान रख निकाल के रखना पड़ेगा मेरे को वापस, एक मिनट रुक जाओ गाइस, पैसा तो मस्त आ रहा है एक बात तो है, लेकिन कस्टमर्स भी जल्दी आ रहे हैं, ये भी बात है भाई। रुक जाओ भाई प्लेटें साफ करने दो मेरे को भाई इनकी, हो गई इनका, बन गया सूप, दे रहा हूँ सर। अबे भाई लो ना यार तुम सूप पियो भाई, अरे सब कुछ 100% गाइस, तुम्हारा भाई बेस्ट सूप बनाता है, नो प्लेट लेफ्ट ऑन द सेल। अरे रुक जाओ भाई क्लीनिंग करनी पड़ेगी ना उसके लिए, साला क्लीनिंग कैसे करूँ फिर मैं, हाँ नहीं तो भाई दिमाग खराब कर रहे हैं। रुक जाओ गाइस भाई पहले ना प्लेटें क्लीन करने दो मेरे को सारी की सारी, जो प्लेट आ रही है भाई साफ कर रहा हूँ, गायब हो जा रही है उतने में ही, भैंस क्या किन कैसे की तैसी। रुक जाओ चलो ये वाली प्लेट भी साफ़ कर दिया मैंने, और प्लेटें साफ़ करते हैं भाई, इसमें तो रुक ही नहीं सकते हो भाई, इसलिए मेरे को एक वर्कर चाहिए भाई जो कि हमारी हेल्प कर सके। भाई कितनी प्लेटें भाई,
कैसे की तैसे साला। अरे तुम ऐसे आवाजें मत निकालो साला, एक तो आके भाई अजीब अजीब से आवाजें निकाल रहे लोग। जो इस वाले प्लेट साफ करना था इसकी मेरे को। ओके काम हो गया इसका। चलो चलो निकलो निकलो निकलो, हो गया। थैंक यू सो मच आने के लिए। अरे थैंक यू सो मच। चलो चलो निकलो निकलो, हो गया काम भाई। बहुत बढ़िया खाना वाना बनाते हैं अपन लोग गाइस, देख रहे हो। बाकी खाना ख़त्म ही नहीं हुआ यार, यही खाना ख़त्म हुआ है सिर्फ। गलत बात है भाई, तो चलो सिर्फ सूप पी के जा रहे भाई लोग। चलो यहाँ पे इसका काम हो गया है। ये वाले प्लेट भी फटाक से साफ़ कर लेता हूँ मैं। हो जा जल्दी जल्दी हो जा, इसको रखते हैं अपन। और तुम्हारा काम हो गया जी। ये तो देखो भाई एकदम पूरे चाट गई है भाई उस प्लेट, आई मीन सूप के जो प्लेट थी उसको चाट गई है भाई पूरी की पूरी। और भाई कैसा बना सूप बताओ, बढ़िया लग रहा है भाई। है मौज काट रहा, नमक वमक डाल रहा भाई। पी भाई पी भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर लेते हैं साथ में। लेवल कितना हो गया अपना, 8 हो रहा है ना अभी तो। रुक जाओ, 9 होने वाला है जल्दी। मतलब आई थिंक आज के दिन अपन सारा काम कर लेंगे बस। अबे सूप फिर खत्म हो गया भाई, बड़े नल्ले लोग यार, सूप पी गए सारा का सारा यार। अद्दे मतलब हो गया क्या आज का? अच्छा डे ख़त्म नहीं हुआ, रुक जाओ अभी। अरे तुमने खाया पिया कि नहीं? अरे हो गया तुम्हारा काम, चलो निकलो। ओके तो भाई आज के दिन अपन ने कितना, लेवल 8 हो गया। मैंने सोचा था लेवल 9 हो जाएगा आज के दिन, बट लेवल 9 नहीं हुआ। चलो कोई सीन नहीं है, दूसरे दिन में तो अपन कर ही लेंगे लेवल 9। हाँ भाई थैंक यू सो मच फॉर द मनी। और मैंने एक और चीज़ इसके अंदर मेरे को पता लगी, और मेरे पास $8,000 हो गए भाई। मतलब अपन कुछ कर भी नहीं रहे और मेरे पास पैसे भी पूरे आ रहे हैं भाई। एक सेकंड, प्लेटें कहाँ हैं भाई मेरे सारी की सारी? एक मिनट रुक जाओ यार, इसके अंदर एक प्लेट रखी थी, वो आई नहीं रही, बाहर नहीं निकाल सकता क्या उन प्लेटों को मैं? चलो अभी तो फिलहाल तो बंद हो गया ये रेस्टोरेंट, तो मैं सारी प्लेटें निकाल लेता हूँ, उनकी साफ़ सफाई करनी है अपने को। प्लेटें व्लेटें सब साफ करके मैं ना यहाँ पर सामान रखने लग चुका हूँ अभी, क्योंकि ना ये वाला सामान जो ख़राब हो जाएगा अदरवाइज़, इसलिए मैं इनको बाहर निकाल के फ्रिज के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारे आलू आ जाएंगे हमारे। गाइस यार मैंने सारा सामान जो था यहाँ पे रख दिया है फिलहाल तो, एंड अभी मैं घर तो जा सकता हूँ, लेकिन अपन यहाँ पर ESC दबा के एंड द डे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा दिन जो है एंड हो जाएगा, अपने घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हमारी सारी चीज़ों के जो है ना प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं, तो भाई अपने को ज़्यादा ग्राइंड करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ऑटोमेटिकली हमें जो है बहुत सारा पैसा मिलता रहेगा भाई हर दिन, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और तुम लोगों ने आज अर्निंग देखी, $2,500 की अर्निंग हुई है, और उसमें से हम लोगों का सिर्फ $1,000 गया। चलो कोई सीन नहीं है। बाकी आज के हमारे स्टार कैसे रहे हैं बताओ भाई? 2 स्टार सिर्फ। चलो ऑफलाइन में 3 स्टार कमा रहा था मैं तो। एंड अपन सीधा घर पे भाई, सीधा घर पे गाइस, देख रहे होगे क्या ही बढ़िया चीज़ है। बाकी ये कुछ तो चमक रहा है बे, कुछ तो। एक मिनट, ये कहाँ चमक रहा है बे? कुछ तो साइन मार रहा था, पता नहीं कहाँ था, पर पता नहीं क्या था। चलो ठीक है। बाकी ना गाइस यार अभी ना मेरी शॉप में थोड़ी बहुत चीज़ें, आई मीन हमारे रेस्टोरेंट में थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो मैं ज़रा ऑर्डर कर लेता हूँ यहाँ पर जाके। ग्रिल्ड बीफ चाहिए अपने को, और अपने को चिकन लेग चाहिए रहेंगे। आई थिंक इतना ही बहुत है अभी फिलहाल के लिए। $380 इसका कट चुका है, ठीक है। पर लेकिन भाई इन्हीं से जो अपने को पैसा मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो कोई सीन नहीं है था ना। इनको भी मैं रख देता हूँ फ्रिज में ला के, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा सामान ला के रखना पड़ता है, क्योंकि ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी। तो ये चिकन ब्रेस्ट है जो कि अपन, इसमें ना एक चीज़ बढ़िया है कि भाई एक के ऊपर एक चीज़ रख सकते हैं अपन। पहले मुझे लग नहीं रहा था कि रख सकते हैं कि नहीं, बट बाद में मुझे पता चला कि अपन रख सकते हैं। मैंने जब इनके ऊपर एक पर ट्राई किया ना, तो अपन रख पा रहे हैं अभी। चलो यहाँ पर यार एक सेकेंड, इतना पैसा मैं कमा भी पा रहा हूँ जितना मैंने अभी खर्च करके आया हूँ है। नेवर माइंड, बाकी जो है यहाँ पर अपना मेन्यू सेट कर देते हैं। रुक जाओ, आज अपन एकदम बढ़िया चीज़ें कुक करेंगे, ठीक है। एकदम मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया चीज़ें कुक करेंगे भाई। और तुम्हारा भाई देखो आज अरे आज ना भाई 12 से 16 कस्टमर आने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है भाई, तो पहले तो मैं ज़रा ना सूप बना के तैयार रख लेता हूँ, ठीक है। तो अरे एक सेकंड, एक काम करता हूँ, पहले ना जाके मैं ज़रा थोड़ी बहुत प्लेटें खरीद के ले आता हूँ भाई। साला कस्टमर्स की तो लाइन लगने लग रही है यहाँ पे भी। रुको ज़रा, मैं ना प्लेटें ले आता हूँ पहले तो। यार एक सेकंड, थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है भाई, ये तो क्या सीन है भाई। 1, 2, 3 प्लेट खरीद लेता हूँ मैं यहाँ पे। बाकी डेस्क को $150 की, क्योंकि अरे एक सेकंड, मैंने 3 क्यों खरीदी, आई थिंक 2 में काम हो जाता मेरा, बट चलो ठीक है। यहाँ पर जितनी प्लेटें हैं इनको मैं रख देता हूँ इसके अंदर, इसमें रख देता हूँ, इनको भर देता हूँ। एक तो रखने की जगह ना बची इसमें, तो चलो कोई नहीं, इसको अपन यूज़ कर लेंगे यहाँ पर रख के। बाकी मेरे को यहाँ से एक बार देखना, तो ग्रिल बीफ बनाते हैं सबसे पहले। तो ग्रिल बीफ बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए रहता है भाई? एक तो ये स्लाइस चाहिए अपने को, ठीक है। इस स्लाइस में अपने को जो है यहाँ पर डालना है 1, 2, 3 ग्राम नमक, और डालना है ब्लैक पेपर 1, 2, 3। चलो ऑल गुड, इसको निकालते हैं एंड इसको रखते हैं। अपने काम करता हूँ आज के दिन, इसको चालू कर ही देता हूँ, क्योंकि भाई करना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी कोयला डाला हुआ है, तो काम करता हूँ सिर्फ किंडलिंग का डाल देता हूँ, क्योंकि कोयला डला है तो अपने को जरूरत नहीं पड़ती फिर उसकी, सिर्फ इसको जलाना ही रहता है। ओके, आई थिंक ये पूरा दिन काम हो जाएगा मेरा इसमें भी। इसको रख देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मेरे को क्या करना है, टमाटर ग्रिल करना है। चलो टमाटर रख दिया यहाँ पर, और 2 धनिया के पत्ते चाहिए, ठीक है।
दो धनिया के पत्ते निकाल लेता हूँ भाई इसमें से, ये हो गया इसका काम। चलो यहाँ पर ग्रिल बीफ का तो हमारा काम हो गया, ये बनता रहेगा अभी। और इसी के साथ मैं ज़रा चिकन ब्रेस्ट भी रख देता हूँ ताकि ये भी कुक होता रहे, और दो चिकन लेग भी रखने पड़ेंगे अपने को, उसको ज़रा फ्लिप करने दो। चलो इसको मैं काम करता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ, दो चिकन लेग रखने पड़ेंगे क्योंकि दो बनते हैं एक बार में, सो इसलिए इसको चालू कर देता हूँ, ये पकते रहेंगे भाई तब तक। लेकिन भाई एक चीज़ देखी तुम लोगों ने भाई, इसमें ना अपन बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते भाई, सारा काम होता रहता है। टमाटर का तो काम हो गया, चलो थोड़ा बहुत काम हो चुका है, मेरे को ये निकालना है और टमाटर के पीसेस कट करने हैं थोड़े से। तो अपन ज़रा टमाटर को कट कर देते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर, और एक डिश हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है जो कि ग्रिल बीफ है, इसको अपन रख देते हैं। एक चीज़ तैयार है और सबका 100% नहीं है, इंग्रेडिएंट्स 96% है। चलो कोई सीन नहीं है, बाकी अपन ज़रा यहाँ से एक ये निकाल लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर अपने को सूप गर्म करना है। चलो यहाँ पे डाल लेता हूँ बराबर, एकदम बराबर हो जाए, वाह 19-20 हो गया, ठीक है। चलो इसको रखते हैं यहाँ पर एंड इसको कर देता हूँ गर्म रखने पे। गर्म हो रहा है कि नहीं? गर्म नहीं हो रहा यार, ये तो पता नहीं, समझ नहीं आता इसका क्या सीन है। चलो ये गर्म होता रहेगा, बाकी मेरे को जो है हमारे चिकन ब्रेस्ट बनाना है तो इसके लिए मेरे को प्लेट चाहिए रहेगी इसमें। अरे 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 सीन कर दिया मैंने, अबे नहीं पक तो गया है भाई साला, क्या एड़ापंती चल रही है इसकी। रुको जरा मैं इसको निकालता हूँ पहले बाहर, ये दो चिकन पीस रखते हैं एंड इसके लिए आई थिंक शायद धनिया भी डालना रहता था इसमें। एक मिनट रुक जाओ गाइस, मैं ना ज़रा रेसिपीज देख लेता हूँ। तो हमारे जो चिकन लेग्स होते हैं उसमें अपने को पार्सले का तो नहीं, पार्सले तो नहीं डालना पड़ता, चलो कोई सीन नहीं है। इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया था ना, नमक वमक नहीं डाला मैंने इसमें। रुक जाओ, इसमें अपने को चिली पेपर डालना रहता है, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। नमक लेते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, चलो नमक का काम भी हो गया। ओके अभी अपने को क्या करना है, इसमें भी टमाटर ग्रिल करना है इसके लिए। चलो इस टमाटर को रख दे, अबे ये तो पूरा बुझ गया अबे वो तो। चलो यहाँ पे कोल बैग डालने दो, रुक जाओ, चलो बुझ गया इतना जल्दी पे, मेरे को और बैग लाने पड़ेंगे मतलब अभी हैं। चलो कोई सीन, इसको चलाते हैं फटाक से, इसका सूप भी तैयार हो गया। चलो सूप, सूप जलता नहीं है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एक मिनट धनिया का पत्ता निकाल लो, इसमें रख देता हूँ भाई, नहीं तो वो ना सारा फिर कंप्लेंट करेंगे बहुत ज़्यादा। चलो टमाटर का सूप हो गया यहाँ पे एंड इसमें तो सब कुछ 100% है भाई, लेकिन उसके बाद भी नहीं, रेटिंग तो भाई 3.0 दी अपने को, बहुत बढ़िया है 3.0 हो तो। टमाटर पक गया क्या? चलो टमाटर पक रहा है एंड अपने को क्या चाहिए इसके लिए, पार्सले के पीसेस भी चाहिए ना। अच्छा अबे एक सेकेंड, वो ग्रिल बीफ में चाहिए थे वो तो, लॉल भाई मैंने स्कैम हो गया मेरे साथ में। चलो टमाटर पक रहा है ना, मेरे को ना आई थिंक थोड़े बहुत टमाटर और पका लेने चाहिए क्योंकि उसमें भी डालने पड़ेंगे। नहीं नहीं उसमें नहीं डालने होते, एक मिनट रुक जाओ गाइस, आलू चाहिए अपने को, आलू पकाने का है और लाल पेपर पकाने का है। लाल पेपर कह रहा हूँ भाई, रेड पेपर और ग्रीन पेपर इनको पका लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है हमारे टमाटर हो गए हैं, इनको कटिंग करते हैं इनकी फटाक से। चलो ये टमाटर काट दिए, इसको रखता हूँ, इसको रखते हैं एंड ये वाला भी काम डन हो गया अपना, इसको रखते हैं यहाँ पे। चिकन लेग्स तैयार हो गए गाइस, हीट का थोड़ा सा सीन हो गया बट इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल ओके। इनको पकने देते हैं फटाक से। वो दो दो आइटम्स कैसे नहीं, अबे दो दो कैसे आ गए बे, पागल है क्या ये गेम? अबे ओए साले तेरी ऐसे की तैसी, भाई रुक जाओ एक मिनट गाइस, थोड़ा दो दो कैसे आ गए मेरे को समझा नहीं क्या सीन हुआ अभी, दो दो मिर्ची कैसे आ गई भाई, पागल सा गेम भाई, हद है इसकी भी। चलो कोई सीन नहीं है, इसी बहाने अपन दो चीज़ें वैसे बना सकते कुक करके एक तरह से देखा जाए तो। बाकी इसमें ज़रा मैं डाल देता हूँ ये पैप, ओ ओ ओ ओ ओ मैंने गलती कर दी, एक दो तीन, ठीक है एक दो तीन भाई, आई होप सो कि ना ज़्यादा कंप्लेंट ना करे भाई आज के लिए प्लीज़। इसको डालते हैं इसमें, आलू लेते हैं भाई, आलू को करते हैं कटिंग, इसको रखते हैं यहाँ पर, इसको रखते हैं यहाँ पर, कुछ पकाने पर रखा है ना, आलू आलू पक रहा है। चलो मिर्ची मिर्ची रख दे यहाँ पर, ये रख दे भाई यहाँ पे एंड आलू पक जा फटाक से। चलो आलू भी पक चुका है, इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको लेके चलते हैं। और यहाँ पर आज हमारी सारी के सारे डिशेस रेडी हो चुकी है। ये हीट 0%, साला हीट थोड़ी हुआ, कोल्ड बता रहा है बे, इतनी सी देर में कोल्ड हो गया साला तेरी ऐसी तैसी भाई, लेकिन इतना जल्दी ठंडा कैसे हो जाता है, गर्म तो है देखो ना। चलो ठीक है जो भी है भाई, ओपन करते हैं एंड यहाँ देखो गाइस 3.0 3.9 रेटिंग, मतलब साले इन लोगों ने फालतू में टमाटर सूप की मेरी रेटिंग काटी है बे। आ जाओ भाई सब अवेलेबल है, तुम्हें जो खाना है तुम वो बताओ, सब कुछ तैयार है भाई यहाँ पे। अपने को बस चिकन एक काम करता हूँ, उनको रख के रख लेता हूँ कि क्या क्या अपने को बनाना रहेगा, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, इसमें आई थिंक अपने को धनिया तो डालना नहीं रहता, इसमें सिर्फ टमाटर डालने रहते हैं, हाँ इसमें सिर्फ टमाटर डलते हैं। और बाकी ना मैं इसको ज़रा एक दो तीन, एक मिनट एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है सब मैं सारी चीज़ें डाल के रख लेता हूँ ऑलरेडी मैं, एक दो तीन,
एक दो तीन ठीक है, ये सारी चीज़ें बना के रख रहा हूँ ऑलरेडी। लेवल 9 हो चुका है हमारे यहाँ पे गाइस, लेट्स गो। ठीक है, अभी ये तो इसका तो काम हो गया, इसमें टमाटर, इसमें एक मिनट जो टमाटर पकाना रहता है, इसके लिए टमाटर पकने देता हूँ जब तक। हो गया सर जी तुम्हारा खाना पीना, चलो $180 मिल गए भाई, मज़ा आ गया। अरे मैडम तुम्हारा भी खाना पीना हो गया, चलो ठीक है यहाँ चलते हैं। लेवल 9 हो चुका है गाइस हमारा, लेवल 10 हो जाए बस मज़ा आ जाएगा मेरे को फिर। हो गया सर जी तुम्हारा काम भी, $182 भाई पैसा पूरा दे रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आने दो भाई आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। चलो इसको क्लीनिंग भी करते हैं साथ साथ में। टमाटर पक रहा है, मेरे को टमाटर पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। टमाटर पक गया क्या? पक रहा, रुक जाओ इसको पकने दो पहले। अपने को ना टमाटर वगैरह सब पका के रख सकते हैं अपना, इसका तो कोई सीन नहीं होता इतना। ठीक है, सीन इसका रहता है कि जो मेन चीज़ जो डालते हैं ना उसके अंदर, वो ठंडी नहीं होनी चाहिए बस, आई थिंक मेरे हिसाब से। तो बाकी यहाँ पर आलू भी कट कर लेता हूँ, इसकी कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी, एंड इसको रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इनका पूरा का पूरा सामान हो चुका है, तो थोड़ी बहुत पका ली है एंड इनको बस पकाना रहेगा और तो कुछ करना नहीं अपने को। चलो अभी एक सेकंड रुको, देखने दो क्या। अरे हाँ, मेरे को प्लेटें क्लीन करनी है, रुक जाओ गाइस, प्लेटें क्लीन करने दो फटाक से। चलो इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे इनका खाना पीना हो गया, पैसे भी निकाल लेता हूँ भाई। यार ये तो कितना जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं साला, एक तो मैनेज करना कितना टफ है बेस को लिटरली ब्रो, कितना जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करते हैं ये लोग। ओके, जब प्लेटें साफ़ करनी है अपने को, कुछ नहीं करना भाई, सारी डिशेज एक नंबर की बना रहे भाई आज तो अपन, मज़ा आ गया भाई एकदम। तुम्हारा भाई प्रो बन रहा है धीरे धीरे करके इसमें भी। ठीक है, अभी देखते जाओ तुम लोग। ये भाई हमारा जो रेस्टोरेंट है वो एक नंबर का होने का जल्दी, एक दिन बता रहा हूँ इसमें। रुक जाओ भाई, हाँ भाई बता क्या हो गया, खा लिया तूने $180 भाई, पैसा देख रहे हो तुम, पैसा देख रहे हो, कितना जल्दी जल्दी कमा रहे भाई अपन यहाँ पे, पैसा पीसे पीसे आ रहे भाई हमारे पास में। इसमें तो पैसों का टेंशन नहीं है वैसे, एक बार इस तरह से देखा जाए तो पैसा तो बहुत मिलता है इसमें भाई। अरे मैडम जी क्या हुआ तुमको, हैं हेलो क्या हुआ तुमको, खाना खा लिया तुमने पूरा? भाई तो इग्नोर करके चली गई मेरे को और भाई चलो कोई सीन नहीं है, बाकी यहाँ से प्लेट निकालते हैं एंड सूप मैं ज़रा अंदर रख देता हूँ, तो ख़राब हो जाएगा पड़े पड़े बाहर, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए बस बाहर पड़ी पड़ी। ठीक है कुछ ख़त्म हुआ है क्या? और एक आइटम ख़त्म हो गया, रुक जाओ अभी निकालते हैं भाई, अभी निकालते हैं, रुक जाओ तुम टेंशन मत लो, अभी तो पूरे रात पड़ी हुई है, एक मिनट रुक जाओ गाइस, लेट मी चेक क्या क्या सामान क्या ख़त्म हुआ है भाई। चिकन ब्रेस्ट ख़त्म हुआ है ना, चिकन ब्रेस्ट अभी बना के देता हूँ, ये लो बस पकाना ही है और कुछ नहीं करना अपने को। इसको कुकर पे रख देते हैं भाई, आई मीन ग्रिल पे रख देते हैं, पकता रहेगा अभी, कुछ नहीं करना भाई, पकाने पे रखना, ऑटोमेटिक पकता रहेगा, ये लोग आएंगे अपना खाएंगे और जाएंगे भाई। ठीक है, दैट्स ऑल वी हैव टू डू भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। हो गया तुम्हारा काम, चलो $180 इसके भी मिल गए अपने को भाई, मज़ा आ गया भाई। पैसे कितना जल्दी जल्दी हो रहे, बात देख रहा हूँ मैं तो बस लिटरली ब्रो, पैसे कितना जल्दी हो रहे हैं क्या? अरे बना रहा हूँ, अरे जल्दी पक जाए यार ये, एक मिनट रुक जाओ, प्लेट में निकाल के रख लेता हूँ सब कुछ। इधर का हो गया तुम्हारा, जल्दी भाई जल्दी पक जाओ, चले जाएगा इतने में, नहीं तो जा रहा है क्या, गुस्सा हो गया क्या मेरे से? एक मिनट रुक जाओ भाई, इसे पक जाए बस फटाक से। अरे सूप भी ख़त्म कर दिया सालों ने, आ रहा हूँ तुम्हारा ग्रिल लेकर आ गया भाई, ये लो। चलो तुम्हारा चिकन ब्रेस्ट बन चुका है, ओके जी खाना तैयार है जी, ले जाओ खाओ एंजॉय करो, सूप वगैरह। अरे सूप वाला कोई अगर आएगा ना तो मैं बना के दे दूंगा सूप, क्योंकि कुछ नहीं करना, गर्म ही करना रहता है। हो गया तेरा, अच्छा तेरा हो गया काम, चलो भाई $180 दो मेरे को, लेट्स गो बॉयज, हमारा यहाँ पर लेवल 10 होने ही वाला है। और ये अरे नहीं हुआ, व्हाट नहीं हुआ भाई लेवल 10, रुक जाओ गाइस जरा मैं यहाँ जाके एक बार सूप की प्लेट निकाले, तो सूप वाला आ गया भैंस क्या साला, सूप पीने के लिए आया, कुछ और खा लेता भाई, थोड़ा सूप ही ज़रूरी है, इनको पिलाना है। चलो ये भी हो गया इसका काम भी, इसको करना है अपने गर्म। अरे गर्म के लिए, अरे ओ भाई सूप गिर गया, अबे सूप गिर गया, ओ भाई अबे सूप गिर गया, अबे साला ये तो ऐसे बहुत टाइम लगा लेगा भाई बनाने में, एक मिनट रुक जाओ गाइस बनने दो। अरे तेरी भैंस क्या, अभी गिर जाता पूरा का पूरा, एक मिनट रुक जाओ गाइस इसके ऊपर रख देता हूँ भाई, वहीं बढ़िया है वो तो। रुक जाओ पत्ते निकालने दो भाई इसके, इसमें रख देता हूँ। ठीक है, प्लेटें वलेटें साफ़ करेंगे। अरे अंकल जी क्या हुआ तुमको भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है यार, दे रहा हूँ ना रुक जा, सूप बना के ला रहा हूँ, साला गुस्सा दिखा रहा है मेरे को, रुक जा भाई बन रहा है, पकने दे उसको, फिर बोलेगा भाई पक नहीं रहा भाई, पार्सले पीस थोड़ी ना पकाना रहता है वैसे। अल्ले भाई ले तेरा सूप बन गया, अरे पी ले इसको, ले जा साढ़े। अबे लेवल दस कैसे नहीं हुआ लेवल 10 होना चाहिए, हो गया, लेट्स गो गाइस, हमारा लेवल 10 भी यहाँ पर हो चुका है। और फाइनली हम लोग अभी हायर करने वाले हैं एक, रुक जाओ अभी नहीं करूँगा, और हाँ ये सारा सामान रुक जाओ पहले ना अंदर रखने दो मेरे को, नहीं तो साला अगले दिन ये ख़राब हो जाएगा सब कुछ। ये बढ़िया है भाई, ऑलरेडी सब कुछ रख के रखूँगा इसके ऊपर डाल वाल के भाई,
खराब ही नहीं होगा कभी कुछ फ्रिज में, तो कभी कुछ खराब भी नहीं होता यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कूड़ा बचा हुआ है, इस कूड़े को भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। एंड यार ये प्लेटें मेरे को रिमूव करके वापस ले जानी पड़ेगी ना, लेकिन यार यही है यार, मतलब एक कस्टमर के लिए भाई सूप बनाऊँ इतना सारा, फिर पूरा खाना ना बर्बाद हो जाता है, जो एक गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देख रहे हो पूरा का पूरा खाना बर्बाद हो रहा है इसके चक्कर में। चल एक कस्टमर भाई क्यों आता है भाई, वो भी हद मचा रखी है भाई। चलो यहाँ पे जरा मैं इसको भी क्लीनिंग कर देता हूँ, आई थिंक ये लास्ट जगह बची हुई है, और फिर प्लेटें साफ करनी है अपने को बस। इधर का हो गया क्लीन, ये कूड़ा कूड़ा भाई कूड़ेदान है क्या ये रेस्टोरेंट? सालो मेरा ढाबा है भाई, प्यार का ढाबा है ये। यहाँ पर कर दिया मैंने सारी के सारी प्लेटें साफ, ये वाली एक्स्ट्रा प्लेट है, तो इस वाली प्लेट को ना जरा मैं यहाँ रख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। लेटर ऑन नहीं यार, प्लेट को ना बाहर रखता हूँ, काम आती है बाद में, इसलिए इसको रखते हैं अपन यहाँ पे। ओके एंड गाइस यार अभी मैं जा रहा हूँ हमारे यहाँ पर, एंड हमारे स्टाफ में चलते हैं। स्टाफ में जाके अपन यहाँ पे, अच्छा दो हायर कर सकता हूँ वैसे मैं अभी, मैं दो हायर कर सकता हूँ गाइस। तो अपन पहले नटैले को हायर करेंगे, ठीक है, लेट्स गो। नटैले हमारे यहाँ पे काम करेगी अभी, तो अपन इनको काम दे सकते हैं ऐसे, जो कि बहुत बढ़िया है। तो मैं तीनों ही काम पकड़ा देता हूँ, उसको तीनों काम कर भाई। 250 अगर डॉलर ले रही है ये, तो सारा काम करना भाई। लेकिन क्लीनिंग का छोड़ देता हूँ, वॉश डिशेस करवा देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी काम है। बाकी गाइज हम लोगों ने यहाँ पर हमारा पहला कैशियर हायर कर, आई मीन कैशियर कह रहा हूँ, हमारी पहली वेटर जो है, हमारा जो स्टाफ है वो हायर कर लिया यहाँ पे, जो काफ़ी प्यारी सी है। हेलो क्या हाल है तुम्हारे, तुम कल से हमारे यहाँ पर काम करोगे, ठीक है। तुम्हें $250 में देगा, और बदले में तुम हमारे लिए बहुत सारा काम करोगे, ठीक है। चलो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए जो है अपन इज्जत से घर पहुंच जाते हैं, सारा डे को एंड नहीं करना है, ठीक है, इज्जत से घर चलते हैं अभी। चलो गाइस अभी जाकर आराम करेंगे। पहला एपिसोड में तुम्हारे भाई ने हक दिया था, लेकिन भाई आज देखो तुम्हारा भाई कितना पीरो पीरो हो गया है। $200 भाई, पीसे पीसे गाइस, पीसे पीसे भाई, इतना सारा पैसा मिलेगा ना भाई इनसे, अपने को इतना पैसा मिलेगा। देख रहे हो आज अपने $3,000 कमाए, उसमें सिर्फ 530 कटे हैं भाई, क्योंकि थोड़ा सामान वगैरह चाहिए था उसके लिए। बाकी 3 स्टार मिले हैं आज अपने को, मज़ा आ गया भाई, खतरनाक मज़ा आ गया। और रेसिपी अनलॉक हुई है कुछ तो नई वाली भाई, बढ़िया है। चलो ये भी नेक्स्ट एपिसोड में ये भी बना के देखेंगे भाई क्या है आखिर ये। बाकी गाइस हमारे प्यार का ढाबा क्या ही सही लग रहा है भाई, दूर से क्या सही लग रहा है, चमक रहा है भाई एकदम खतरनाक वाला। बाकी हमारी यहाँ पर वेटर हायर कर लिया है। एंड या गाइस आज के इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, अगर मजा आता नीचे लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।